ये जो पार्ट नंबर 4 है, पार्ट नंबर 5 है और पार्ट नंबर 6 है क्वेश्चन नंबर 3 का, इनमें अगर आप देखो ना तो डिटरमिनेंट की वैल्यू आपको लिखी हुई है। पार्ट नंबर अगर 6 को आप निकाल दो, पार्ट नंबर 4 और पार्ट नंबर 5 जो है इसमें आपको डिटरमिनेंट की ना कोई वैल्यू लिखी हुई है, जबकि सवाल में उन्होंने मेंशन किया हुआ विदाउट एक्सपेंडिंग डिटरमिनेंट प्रूव दैट। देखो अगर आप डिटरमिनेंट को एक्सपेंड नहीं करते, एक्सपेंड जो हम रॉ 1 या रॉ 2 जिससे भी एक्सपेंड करते थे ना, तीन एलिमेंट लिखा करते थे, अगर आप उससे नहीं करोगे और आप प्रॉपर्टीज यूज करोगे, तो देखो प्रॉपर्टीज यूज करके डिटरमिनेंट की एक ही वैल्यू आ सकती है, वो है वैल्यू 0। क्योंकि अगर आप प्रॉपर्टी 1 से लेके प्रॉपर्टी नंबर 8 तक देखो, उसमें से तीन ही आपको ऐसी प्रॉपर्टी मिलेंगी जिसमें डिटरमिनेंट 0 के बराबर आ रहा है। जिस सवाल में अगर आपको बोला जाए कि एक्सपेंड किए बगैर प्रॉपर्टीज यूज करो और डिटरमिनेंट को 0 के बराबर रखो, तो वो तो काम आप कर सकते हो, वो 0 की वैल्यू आप निकाल सकते हो सिर्फ प्रॉपर्टीज को यूज करके। लेकिन जिस सवाल में आपको बोला जाए कि डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालो और वैल्यू 0 के अलावा लिखी हुई है, जैसे पार्ट नंबर 4 में 4 ABC आ रही है वैल्यू, पार्ट नंबर 5 में ABC मल्टीप्लाई पूरी ब्रैकेट है, तो इसका मतलब सिर्फ प्रॉपर्टीज यूज करके आप ये वैल्यूज नहीं निकाल सकते। क्योंकि जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं उसमें अगर आप देखो, जैसे पहली प्रॉपर्टीज थी कि मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज इन दोनों का डिटरमिनेंट बराबर होता है, लेकिन अगेन वैल्यू तो नहीं निकालोगे ना इस प्रॉपर्टी से, ये प्रॉपर्टी तो बस आपको अलाउ कर रही है कि मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट और ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट बराबर होता है, वैल्यू तो नहीं निकाल सकते। इसी तरह प्रॉपर्टी नंबर 2 आपने देखी थी कि जब रॉज एंड कॉलम्स को इंटरचेंज करो तो माइनस आता है, अगेन ये प्रॉपर्टी आपको वैल्यू निकाल के नहीं देगी, ये तो बस आपको बता रही है कि जब इंटरचेंज करोगे तो माइनस आएगा। प्रॉपर्टी 3 और 4 आपको बता रही थी कि हाँ यार 0 हो जाएगा, वो तो मैंने बताया कि जब डिटरमिनेंट 0 के बराबर प्रूफ करना है तो फिर प्रॉपर्टी से आप कर सकते हो उसको। इसी तरह बाकी प्रॉपर्टीज थी 5, 6, 7, 8, उसमें से एक और प्रॉपर्टी आ गया प्रॉपर्टी नंबर 7 की, जिसमें बोला था उन्होंने कि वो डिटरमिनेंट 0 होगा, और उसके अलावा 5, 6 और 8 इसमें भी अगर आप देखो तो डिटरमिनेंट की वैल्यू, किसी कोई भी प्रॉपर्टी आपको डिटरमिनेंट की वैल्यू नहीं बता रही, अदर देन 3 प्रॉपर्टीज जो मैंने आपको बोली है उनमें 0 आ रही होती है। वो जस्ट आपको अलाउ करते हैं कि यार आप इस रॉ को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके दूसरे में ऐड कर दो या आप ट्रांसपोज ले लो, डिटरमिनेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैल्यू आपको कोई नहीं दे रहा। ठीक है, तो मसला ये है कि अब इसको एक्सपेंड करना ही पड़ेगा हमें, क्योंकि एक्सपेंड किए बगैर आप वैल्यू निकाल ही नहीं सकते। तो जो सवाल में लिखा हुआ ना विदाउट एक्सपेंडिंग, तो अब इसका मतलब क्या होगा, जबकि सवाल में तो उन्होंने बोला कि एक्सपेंड ना करो, इसका मतलब ये होगा कि सिंपल लैंग्वेज में कि आप पहले डिटरमिनेंट को सिंप्लीफाई करो, थोड़ा सिंप्लीफाई करो बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज, उसके बाद इसको एक्सपेंड कर लो। क्योंकि देखो एक्सपेंड किए बगैर आप इसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते, ये तय बात है। 4 ABC कैसे वैल्यू आएगी इसकी, कोई भी प्रॉपर्टी लगा लो 4 ABC नहीं आ सकती, आपको एक्सपेंड करना पड़ेगा, पहली रॉ पहले कॉलम किसी से भी आपको एक्सपेंड लाजमी करना पड़ेगा। तो अब कंक्लूजन ये है कि हम इन सवालों में क्या करेंगे, हम पहले सिंप्लीफाई करेंगे इसको, जब सिंप्लीफाई हो जाएगा उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे और इसकी वैल्यू निकालेंगे जो आपको प्रूफ करनी है पूरी। तो आज जरा पार्ट नंबर 4 पे, ठीक है, डिटरमिनेंट प्रूव आपको क्या करना है, गिवन है B+C, सी इसी तरीके से A C+A और सी इसी तरीके से A B A+B और डिटरमिनेंट है 4 ABC। आपको प्रूफ करना है पूरा डिटरमिनेंट इसके बराबर है, एक्सपेंड तो करना पड़ेगा कहीं ना कहीं जाके, लेकिन हम डायरेक्ट एक्सपेंड नहीं करेंगे। एक तो सवाल में भी उन्होंने मना किया हुआ था विदाउट एक्सपेंडिंग, उसका एक मतलब ये भी आप ले सकते हो कि डायरेक्ट आप, अब ये नहीं कि रॉ 1 से आप इसको एक्सपेंड कर दो, कैलकुलेशन थोड़ी मुश्किल होंगी लेकिन आंसर आ जाएगा, लेकिन वो काम भी नहीं आपने करना। आपने बस ये करना है कि कुछ प्रॉपर्टीज लगानी है इसके ऊपर, और उन प्रॉपर्टीज का मकसद ये होगा कि आप बस सिंप्लीफाई कर लो कि जब आप इसको एक्सपेंड करो तो डायरेक्ट आपके पास आंसर आ रहा हो, आपको ज्यादा पापड़ बेलने में पड़े। अब सवाल ये होगा कि यार इसको सिंप्लीफाई कैसे करना है। अब ये वाला सवाल जो है ना, ये मत समझो कि आप लोगों की सिंध बोर्ड की या पंजाब बोर्ड की किसी बुक में आ गया है, ये अगर आप गूगल पे करो तो आपको आसानी से मिल जाएगा, और ये इंडियंस की किसी कोर्स बुक का सवाल है, ये कंफर्म मैं नहीं कह रहा लेकिन इंडियंस ने सॉल्व करवाया हुआ है, हर इंडियन वेबसाइट पे आपको सवाल मिलेगा। तो इसके तरीके डिफरेंट है, हर बंदे ने डिफरेंट तरीके से ना सॉल्व करवाया था, एंड पे आंसर 4 ABC निकाला था, तो मुझे जो तरीका अच्छा लगा था मैं वो करवा रहा हूँ, जो एक शॉर्ट तरीका है, 5-6 स्टेप में तकरीबन आप निकाल सकते हो। वो तरीका क्या है, सबसे पहले आप क्या करते हैं, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड पिक करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड तो आपने ये वाली ले ली, मतलब पूरा डिटरमिनेंट आपने एक दफा कॉपी कर दिया। अब आप इसमें क्या सिंप्लीफिकेशन करोगे, आप सिंपल क्या करो, अगर आप ऑब्जर्व करो, मैं बी को ऐड कर दूं इसके अंदर और सी को मैं इसके अंदर ऐड कर दूं तो ये हो जाएगा 2B+2C। इसी तरह मैं C+A को इसके अंदर ऐड कर दूं और C को इसके अंदर ऐड कर दूं
तो ये हो जाएगा 2a+2c। इसी तरीके से अगर b को मैं इसमें ऐड कर दूं और a+b को इसमें ऐड कर दूं तो ये हो जाएगा 2a+2b। मकसद क्या है, 2 कॉमन ले लूंगा मैं, सिंप्लीफिकेशन करनी है ना, 2 कॉमन ले लूंगा। तो सिंपल आप यहां पे क्या करो, आप लिखो कि बाई एडिंग R2 and R3, R2 और R3 को आप ऐड कर दो R1 के अंदर। इसको आप सिंबल की फॉर्म में भी लिख सकते हो इस तरीके से कि R1 के अंदर आप ऐड कर दो R2 को। अगर चेंजिंग जो होती है ना, अब वो डिपेंड करता है, इस वाले नोटेशन में ना आपको इतना खास पता नहीं चलता कि आप किसको किसके अंदर ऐड कर रहे हो। मैंने ब्रैकेट लगा के तो चलो बताने की कोशिश की है, लेकिन इसके लिए एक ये सिंबल भी यूज करते हैं इस तरीके से। तो इसका मतलब ये है कि R1 के अंदर आप चेंजिंग कर रहे हो, और R1 के अंदर क्या चेंजिंग कर रहे हो, R1 के अंदर आप R2 और R3 को ऐड कर रहे हो। तो अगर सिंबल की फॉर्म में लिखना चाह रहे हो तो आप इस तरह लिख दो, वरना आप वर्डिंग भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी, जो आप लोगों को बेहतर लगे। अच्छा जी, तो जरा करते हैं। बी को अगेन वही, बी और सी मतलब R2 और R3 को आप ऐड करो R1 के अंदर, तो ये हो जाएगा 2b+2c, ये हो जाएगा 2a+2c, ये हो जाएगा 2a+2b। और बाकी जो रॉ है मैंने बताया था, उसके साथ आपने कोई छेड़खानी नहीं करनी, एज इट इज उनको अपनी जगह पे रहने दो। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद अगेन, अब ये चाहो वर्डिंग आप लिखो ना लिखो, क्योंकि ये बहुत बेसिक सी बात है कि आप 2 कॉमन ले रहे हो, तो ना लिखो कोई आपको मना नहीं करेगा, आपने 2 कॉमन लेना R1 से, चाहो तो आप लिख लो। इसी तरह ये हो जाएगा a+b, यहां पे b, यहां पे c, c+a, c, B a+b, ये सिचुएशन आपके पास आ गई है। ठीक है, अब आपकी कोशिश पता करिए, आपने प्रॉपर्टीज लगाई हैं, ये प्रॉपर्टी थी ना कि आप किसी रॉ को ऐड कर दो किसी और के अंदर, डिटरमिनेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसके अंदर आप क्या करो, आपकी कोशिश ये होनी चाहिए, यार कोई स्टूडेंट क्यों नहीं आ रहा, 3 स्टूडेंट है, बाकी कहाँ पे हैं, एक से मुझे रिमाइंडर देने दो इनको। मैसेज मसला 5 लोगों ने सीन किया, बाकी आए हुए नहीं है। एक तो आ गया अभी, अच्छा ठीक है। अच्छा यहां तक जब आप पहुंच जाओ, अगेन आपका मकसद क्या है, आप इसको थोड़ा और मजीद सिंप्लीफाई करो ताकि यहां पे भी आप एक्सपेंड कर सकते हो, लेकिन जब एक्सपेंड करोगे ना, देखो कहीं भी 0 नहीं है, आप किसी भी रॉ से एक्सपेंड करोगे कैलकुलेशन आपकी थोड़ी मुश्किल होगी, करके देख लेना आप लोग। तो अगर हम किसी तरह कहीं 0 ले आए ना, किसी रॉ या कॉलम में 2-3 जगह 0 आ जाए या 1 जगह 0 आ जाए, तो आपके लिए कैलकुलेशन थोड़ी ईजी हो जाएगी। अब वो 0 लाने के लिए आप क्या करोगे, देखते हैं क्या करना है। अगर मैं R2 है, अगर मैं इससे माइनस कर दूं R1 को, तो देखो यहां पे भी C+A है, यहां पे भी C+A है, तो अगर मैं R2 - R1 करूंगा तो यहां पे 0 आ जाएगा, C+A और C+A कैंसिल हो जाएंगे, तो मुझे यहां पे नजर आ रहा है 0 आ रहा है। इसी तरह यहां पे भी जब मैं करूंगा, मुझे लग रहा है दिखने में कि टर्म सिंप्लीफिकेशन हो सकती है अगर मैं R2 में से R1 को माइनस कर दूं। इसी तरीके से अगर मैं R3 - R1 कर दूं, तो देखो ये R3 है -R1, ये यहां पे 0 आ जाएगा, तो मुझे लग रहा है 0 किसी तरह आ रहा है यहाँ पर, और मेरी कैलकुलेशन काफी इजी हो जाए। तो मैं यही काम करता हूं, मैं लिखता हूं सब्ट्रैक्टिंग R2 - R1 है ना, तो सब्ट्रैक्टिंग R1 फ्रॉम R2 and R3। आप क्या करो, R2 और R3 से R1 को सब्ट्रैक्ट कर दो, इस तरह भी आप लिख सकते हो या सिंबॉलिक फॉर्म में इस तरह भी लिख दो, बाई R2 - R1, R3 - R1, ये वाली वर्डिंग भी आप लिख सकते हो, मतलब ये भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। अच्छा तो अब क्या होगा, वही काम कर लेते हैं जो हमने लिखा है। अच्छा जो चेंजिंग कर रहे हो ना, आप वो R2 और R3 में कर रहे हो, आप R2 और R3 से R1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, R1 को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, चेंजिंग आप R2 और R3 के अंदर कर रहे हो, तो R1 तो अपनी जगह पे रहेगी, b+c a+c a+b। अच्छा अब चेंजिंग आपने क्या किया, सबसे पहले R2 में से आपने R1 सब्ट्रैक्ट किया, तो ये B था, इससे माइनस करो, ये सिचुएशन बनेगी B - B+C, मतलब ये R2 में से आपने माइनस किया R1 को, थोड़ा सॉल्व करो, हो जाएगा B - B - C, ये कैंसिल हो जाएगा, जस्ट माइनस सी बच जाएगा, तो यहां पे आप माइनस सी लिख दो। C+A को माइनस करोगे C+A से, तो आंसर क्या हो जाएगा, 0, तो देखो एक 0 मुझे मिल गया। इसी तरह B को
माइनस करो ए प्लस बी से, तो जरा माइनस करके देख लेना आंसर आपको माइनस ए मिल रहा होगा। बिल्कुल सेम इसी तरह आप लिखोगे कि बी माइनस ए प्लस बी, तो बी और बी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, माइनस ए आपके पास आ जाएगा। ये आपकी आर टू में आपने जो चेंजिंग करनी थी वो कर दी है। इसी तरह आर थ्री में से, आर थ्री में से भी आप सब्ट्रैक्ट कर दो आर वन को, तो ये आर थ्री है सी, सी में से आप माइनस करोगे बी प्लस सी को, अगेन सी और सी कैंसिल, आपके पास माइनस बी बचेगा। देखो कितनी इजी इजी आपकी रॉ बनती जा रही है, मसले आपके हल होते जा रहे हैं। इसी तरह सी में से अगर आप माइनस करोगे ए प्लस सी को, आर थ्री माइनस आर वन है ना, तो सी को माइनस करोगे आप ए प्लस सी से, और सी माइनस ए प्लस सी, तो अगेन माइनस ए बचेगा, और ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी जीरो। अब आप देखो कितना इजी आपके लिए हो गया, कैलकुलेशन करना भी इजी है। अब इसको आप मजीद सिंप्लीफाई करके भी ना कहीं जीरो ला सकते हो, ऐसा नहीं है कि अभी भी आपको कोई बोल रहा है कि एक्सपेंड कर दो, मजीद अगर आप सिंप्लीफिकेशन करना चाह रहे हो कर लो। अगर यहाँ पे कहीं जीरो आ रहा है, किसी को लग रहा है कोई और जीरो आप ला सकते हो, किसी रॉ कॉलम को ऐड करो, इन दो जीरो के अलावा कहीं और जीरो आ जाए, आ सकता है क्या? ये चीज मेरे ध्यान में आ रही है कि आप आर टू, हाँ बोलो तुम बोल दो। रो टू को रो थ्री को ऐड करेंगे रो वन में तो हाँ जीरो आ जाएगा। एक्सेलेंट, यहाँ पे जीरो, यही मेरे ध्यान में आया कि आप आर टू और आर थ्री को जब ऐड करोगे आर वन के अंदर, मतलब जब माइनस सी इसके अंदर ऐड होगा और माइनस बी इसके अंदर ऐड हो जाएगा, तो ये चीज जीरो हो जाएगी पूरी। इसी तरह जीरो और माइनस ए को जब इसके अंदर ऐड करोगे, तो अगेन माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, जस्ट सी बच जाएगा, और इधर भी सिर्फ बी बच जाएगा, तो आपका जो डिटरमिनेंट है वो काफी सिंप्लीफाई हो जाएगा, तो बहुत आसानी हो जाएगी हमें उससे, तो हम कर लेते हैं। हमें जिस चीज से आसानी होगी हम वो काम कर लेंगे। तो बाई एडिंग आर टू एंड आर थ्री टू आर वन, आर वन के अंदर मैं आर टू और आर थ्री को ऐड कर रहा हूँ। अब चेंजिंग किसके अंदर हो रही है? आर वन के अंदर हो रही है। आर टू आर थ्री अपनी जगह पे ही है, तो मैं लिख देता हूँ उनको अपनी जगह पे, ठीक है, मैं अपनी जगह पे लिख दी। अब चेंजिंग करो, माइनस बी माइनस सी को ऐड करोगे बी प्लस सी में, जीरो हो जाएगा। माइनस ए और जीरो को ऐड करोगे ए प्लस सी में, तो माइनस ए और माइनस ए कैंसिल, जस्ट सी बच जाएगा। जीरो और माइनस ए को ऐड करो ए प्लस बी में, माइनस ए और ए कैंसिल, जस्ट बी बच जाएगा। देखो आपका डिटरमिनेंट कितना सिंप्लीफाई हो गया। अब मजीद सिंप्लीफिकेशन इसके अंदर शायद हो जाए, कहीं और भी जीरो आ जाए, मुश्किल है लेकिन आ सकता है कहीं शायद, अगर आप देखो तो। नहीं अब मुश्किल लग रहा है मुझे, अगर आप कुछ भी सब कॉलम्स को आपस में सब्ट्रैक्ट करो ना, तब भी जीरो आना मुश्किल है। और वैसे भी मजीद करने की जरूरत नहीं है, बहुत ईजी सिचुएशन बन गई है, जो एलिमेंट्स बचे हैं वो भी इतने बच्चों वाले बचे हैं। तो अब देखो हमारे पास कोई हल नहीं है, अब कोई और प्रॉपर्टी यूज करके आप ये वैल्यू निकाल नहीं सकते, आपको एक्सपेंड करना ही पड़ेगा, हम एक्सपेंड करते हैं। अब एक्सपेंड कहाँ से करें? रॉ वन से ही कर दो आप, क्योंकि रॉ टू में भी एक जीरो है, रॉ थ्री में भी एक ही जीरो है, तो आप रॉ वन से ही कर दो। तो एक्सपेंडिंग फ्रॉम रॉ वन, रॉ वन से एक्सपेंड करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? टू अपनी जगह पे है, ये एलिमेंट तो जीरो है, लिखो ना लिखो बात एक ही है, पीछे क्या बचेगा? अच्छा मैंने क्या साइन बताया था, इसके साथ पॉजिटिव, इसके साथ नेगेटिव और इसके साथ पॉजिटिव, तो सी के साथ नेगेटिव आएगा। सी जिस रॉ में डिलीट कर दो, जिस कॉलम में डिलीट कर दो, तो माइनस सी माइनस बी माइनस ए जीरो, ठीक है। फिर है बी, ये रॉ डिलीट, ये कॉलम डिलीट, ये चार एलिमेंट आएंगे, माइनस सी माइनस बी जीरो और माइनस। अब बस इसको सिंप्लीफाई करना है आपको, आपका सवाल खत्म हो जाएगा। अब देखो माइनस सी को जीरो से करोगे, खत्म हो गया ये, तो इसको आप किस तरह लिखोगे? माइनस सी बाहर है, माइनस सी को जीरो से करो जीरो, माइनस ए को माइनस बी से करोगे तो ये ए बी हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको याद हो डिटरमिनेंट लेते हुए दरमियान में भी आप नेगेटिव लगाते हो, दरमियान में नेगेटिव आ गया। फिर इसमें देखो माइनस सी को माइनस ए से करो तो ये हो जाएगा ए सी, और माइनस बी को जीरो जीरो से करोगे, आप जो भी करोगे आंसर आपके पास जीरो ही आ जाएगा। तो अब पीछे क्या बचा लिख लेते हैं, माइनस सी को माइनस ए बी से करो तो ये हो जाएगा ए बी सी, इसी तरह बी को ए से करो ये हो जाएगा ए बी सी। तो अगर आप अंदर देखो ना, ए बी सी प्लस ए बी सी हो जाएगा टू ए बी सी, टू ए बी सी को जब इस टू से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा फोर ए बी सी, जो के बराबर है राइट हैंड साइड के। आप लोग इसके नीचे लिखना, मेरे पास जगह नहीं थी तो मैंने आगे लिख दिया। तो सवाल आपका प्रूव हो गया, डिटरमिनेंट की पूरी वैल्यू किसके बराबर आ गई है? फोर ए बी सी के बराबर। आप इस पे सिर्फ प्रॉपर्टीज लगा के वैल्यू नहीं निकाल सकते,
आपको कुछ एक्स्ट्रा काम भी करना पड़ेगा अगर आपको इसका आंसर निकालना है। तो एक्स्ट्रा काम क्या होगा कि एंड पे हम एक्सपेंड करेंगे, लेकिन शुरू में सिंप्लीफिकेशन करते हैं ताकि आपका प्रोसेस जो है एंड पे इजी हो जाए, आपको मसले ना हो। 100 की अच्छी एडिंग है, प्रूफ लिख लेते हैं यहाँ पे। अच्छा जी, अब देखो इसमें अगेन ये सवाल जो है ये आप अगर लिखोगे ना गूगल पे तो आपको आसानी से मिल जाएगा इसका सॉल्यूशन। तो इसके भी सॉल्यूशन काफी मिलेंगे आपको, हम वो करते हैं जो हमारे लिए अच्छा हो। अब वो क्या है कि अगर आप देखो ना यहाँ पे आंसर में आपको इस टाइप की चीजें नजर आ रही हैं, रेसिप्रोकल में चीजें नजर आ रही हैं, तो वही करने की हम कोशिश करते हैं। वो हम इस तरह करेंगे कि हम R1 को डिवाइड करवाएंगे A से, R2 को डिवाइड करवाएंगे B से, C को डिवाइड करवाएंगे C से। अब देखो अपनी तरफ से आप नहीं कर सकते, इस असूल को याद रखो, आप अपनी तरफ से किसी नंबर को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। सेम डिटरमिनेंट के अंदर भी है कि आप अपनी तरफ से किसी चीज को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। हाँ अगर आप मल्टीप्लाई करना चाह रहे हो तो साथ पे डिवाइड भी करो। ये नहीं होगा कि आप जैसे फॉर एग्जाम्पल को डिटरमिनेंट है, ऐसी कोई प्रॉपर्टी आप लोगों ने पढ़ी है कि आपको ये परमिशन मिली हो प्रॉपर्टी से कि आप किसी भी रॉ को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो और डिटरमिनेंट की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। बट जब आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो डिटरमिनेंट चेंज हो गया, आप वैल्यू जो डिटरमिनेंट की आएगी वो चेंज हो जाएगी क्योंकि आपने इसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो साथ डिवाइड भी करो ताकि आपका जो डिटरमिनेंट है वो चेंज ना हो, क्योंकि ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है कि आप अपनी तरफ से किसी को भी मल्टीप्लाई कर दो या किसी को भी डिवाइड कर दो। आपको मल्टीप्लाई डिवाइड करवाना पड़ेगा अगर आप कोई मकसद अपना अचीव करना चाह रहे हो। तो मुझे डिवाइड में ए चाहिए पहली रॉ में, डिवाइड में बी चाहिए, इसमें डिवाइड में सी चाहिए। तो सिंपल आप क्या करो, वर्डिंग लिखना चाहो तो लिख दो कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड रॉ 1 रॉ 2 रॉ 3 बाई A B C रेस्पेक्टिवली। क्या मैंने बात लिखी है कि आप R1 R2 और R3 को मल्टीप्लाई डिवाइड करवाना पड़ेगा आपको। R1 को करवाओ A से, R2 को करवाओ B से, R3 को करवाओ C से। तो अगर आप ऑब्जर्व करो अंदर आपको मल्टीप्लाई डिवाइड करवाना है, मतलब ये सिचुएशन बनेगी अगर मैं सिर्फ रॉ 1 की लिखूं। रॉ 1 की बात कर रहा हूं, जब आप मल्टीप्लाई डिवाइड करवाओगे A से ए अपॉन ए पहली टर्म से मल्टीप्लाई होगा, दूसरी टर्म से ए अपॉन मल्टीप्लाई हो गया और तीसरी टर्म से भी ए अपॉन ए मल्टीप्लाई हो गया। अब हमें जो काम की चीज है वो अंदर रखनी है, बाकियों को बाहर निकाल दो। आप असल था कि आपने मल्टीप्लाई डिवाइड किया, कोई फर्क पैदा नहीं किया आपने। मैटर क्या करता है कि आपने कुछ चेंजिंग नहीं करनी अपनी तरफ से। मैंने कुछ चेंजिंग नहीं की, ए को ऐसे कैंसिल करो दोबारा वही चीज आ जाएगी जो यहाँ पे लिखी हुई थी। तो मैंने डिटरमिनेंट की वैल्यू को कुछ ऑल्टर नहीं किया, चेंज नहीं किया, ठीक है। लेकिन मैं इसको अब डिफरेंट फॉर्म में लिखूंगा ताकि मुझे आसानी हो। वो डिफरेंट फॉर्म क्या है कि जो ऊपर वाला ए है इसको मैं बाहर लिख दूंगा। जैसे ये जो ए है ना, ये वाला ए जो है, मतलब पूरी रॉ से ना आप ए कॉमन ले लो, इसको इस तरह समझो आप। ये मैं डायरेक्ट ये वाला स्टेप नीचे लिखूंगा, आप लोगों को रीजन बता रहा हूँ पीछे कि जो आपने मल्टीप्लाई डिवाइड करवाया था ना, जो मल्टीप्लाई वाला ए था वो आप कॉमन ले लो, कॉमन लेके उसको बाहर लिख लो, यही काम आपने सेकेंड रॉ में भी करना है। सेकेंड रॉ में आपने बी अपॉन बी लिखा था, हर टर्म के साथ बी अपॉन बी लिखा था, तो जो मल्टीप्लाई वाला बी है उसको बाहर लिख दो। और थर्ड रॉ में जो सी अपॉन सी था, सब पूरी रॉ से सी कॉमन लेके बाहर सी को रख दो। तो रिजल्ट आपके पास ये आएगा, ए बी सी। ये ए था जो R1 से कॉमन लिया, ये ए था जो R2 से कॉमन लिया, ये ए सी है जो आपने R3 से लिया। तो ए बी सी आपके पास इस तरह बाहर आएगा, ठीक है। और जो अंदर है, जैसे आपने इस रॉ को ए से डिवाइड करवाया था, इसको बी से डिवाइड करवाया, इसको सी से करवाया, तो वो हम करवा देते हैं डिवाइड। किसी को ना समझ आए तो पूछ लेना। इस चीज को आप ए से डिवाइड करो, तो 1 + a को जब आप ए से डिवाइड करोगे, एलसीएम ब्रेक करो, ये हो जाएगा 1 upon a + a upon a, मतलब 1 upon a + 1 हो जाएगा ये। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 + 1 upon a, इसको ए से डिवाइड करो 1 upon a, और इसको ए से डिवाइड करो 1 upon a। मतलब डिवाइड वाला ए आपने रखा है और मल्टीप्लाई वाला ए आपने बाहर निकाला है। इसी तरीके से इसको डिवाइड करो, 1 को जब डिवाइड करोगे बी से तो 1 upon b, इसको डिवाइड करोगे बी से तो ये हो जाएगा 1 upon 1 upon b, इसको डिवाइड करोगे बी से हो जाएगा 1 upon b, सेम 1 upon c 1 upon c, और ये हो जाएगा 1 + 1 upon c। ये सिचुएशन बन जाएगी।
अच्छा जी, अब अगर आप ऑब्जर्व करो, ए बी सी तो आ गया आपके पास, ये वाली टर्म भी आपके पास आ सकती है। कैसे? अगर इसमें मैं आर टू और आर थ्री जो है, इसको अगर मैं आर वन के अंदर ऐड करवा दू, देखो वन प्लस वन अपॉन ए तो ऑलरेडी मौजूद है, ये वन अपॉन बी भी आ जाएगा, वन अपॉन सी भी आ जाएगा, एग्जैक्ट ये फॉर्म मिल जाएगी। सेम वन अपॉन सी और वन प्लस वन अपॉन बी को अगर आर वन में ऐड कर दो, एग्जैक्ट ये पूरी फॉर्म मिल जाएगी। तो आप यहाँ पे क्या लिखो, सिंपल एडिंग आर टू एंड आर थ्री टू आर वन, आर वन के अंदर आप आर टू और आर थ्री को ऐड करवा दो। तो देखना क्या होगा, अच्छा वन अपॉन बी वन अपॉन सी को ऐड करवाओ वन प्लस वन अपॉन ए के अंदर, तो ये हो जाएगा वन प्लस वन अपॉन ए प्लस वन अपॉन बी प्लस वन अपॉन सी, चेंजिंग आर वन के अंदर होगी बस। इसी तरह वन प्लस वन अपॉन बी और वन अपॉन सी को वन अपॉन ए के अंदर ऐड करो, अगेन जो अब आपके पास आएगा वो हो जाएगा वन प्लस वन अपॉन ए प्लस वन अपॉन बी प्लस वन अपॉन सी। अगर आप देखो चारों टर्म आपको मिल रही है हर दफा, वन अपॉन ए वन वन अपॉन बी वन अपॉन सी, ये चारों टर्म आपको मिल रही होंगे। इसी तरह इस वाली चीज और इस वाली चीज को जब इसमें ऐड करोगे दोबारा ये मिलेगी, मेरे पास जगह नहीं है मैं इस तरह लिख देता हूँ, इसका मतलब ये कि ये इसको कॉपी कर देना तीसरी टर्म के अंदर भी, ठीक है? तो बाकी जो रॉ टू और रॉ थ्री है उनको अपनी जगह पे लिख दो, वन अपॉन बी वन अपॉन सी वन प्लस वन अपॉन बी और वन अपॉन सी वन अपॉन बी और वन प्लस वन अपॉन सी, ठीक है? अब आपको देखने में लग रहा है रॉ वन से पूरी चीज कॉमन आ रही है, इसमें भी है इसमें भी है और इसमें भी है, तो आप इस पूरी चीज को कॉमन ले लो। तो मैं इस पूरी चीज को कॉमन लूंगा तो बाहर हो जाएगा ए बी सी वन प्लस वन अपॉन ए प्लस वन अपॉन बी प्लस वन अपॉन सी, और पीछे क्या बचेगा, जब आपने आर वन से कॉमन ले लिया तो आर वन 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 हो जाएगी, बाकी को आप कॉपी कर दो। ये सिचुएशन बनाएगी, ठीक है? तो अगर आप ऑब्जर्व करो ये पूरी चीज जो है वन के बराबर होगी, ये पूरा डिटरमिनेंट वन के बराबर होगा, लेकिन प्रूफ करना पड़ेगा क्योंकि एग्जैक्टली ये वैल्यू आपके पास आ गई है ना, लेकिन ये पूरी चीज क्या होनी चाहिए, वन के बराबर होनी चाहिए तभी सेंस बनेगी बात। लेकिन वन के बराबर आप कैसे प्रूफ करोगे इसको, अब आपके ऊपर है। अब यहाँ के बाद आपने क्या करना है, देखो आपके पास एक हल ये भी है कि आप इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कर दो, लेकिन अभी ना करो, क्यों, कहीं भी जीरो नहीं आ रहा, सिंप्लीफिकेशन में थोड़ा मसला होगा, तो बेहतर है जीरो ले आओ कहीं से, जीरो आराम से ला सकते हो आप, कॉलम्स को आपस में सब्ट्रैक्ट करवा दो। आप सिंपल क्या करो, आप टू में से सी वन माइनस कर दो और सी थ्री में से सी वन को माइनस कर दो, या आप ये भी लिख सकते हो बाय सब्ट्रैक्टिंग सी वन फ्रॉम सी टू एंड सी थ्री, मर्जी है भाई जिस तरह लिखना लिख दो, कोई तंग नहीं करेगा आपको। तो आप क्या होगा, रॉस को नहीं आपस में कर सकते, कॉलम्स को करेंगे, जब ये कॉलम सब्ट्रैक्ट होगा तो वन माइनस वन जीरो हो जाएगा ना, ये हमारा मकसद है। तो ये ए बी सी वन प्लस वन अपॉन ए प्लस वन अपॉन बी प्लस वन अपॉन सी, ये तो अपनी जगह है। तो अब क्या होगा, सी वन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सी टू में से आप सी वन को कर रहे हो, सी थ्री को सी वन मतलब सी थ्री में से आप सी वन को कर रहे हो, तो फर्क सी टू और सी थ्री को पड़ेगा, सी वन अपनी जगह पे मौजूद है। अब जरा करते हैं, ये सी टू है, इसमें से माइनस करना है आपने सी वन को, तो सी टू का एलिमेंट है वन, वन माइनस वन हो जाएगा, फिर सी टू का एलिमेंट है वन प्लस वन अपॉन बी, इससे माइनस करना है सी वन को, सी वन है वन अपॉन बी, कैंसिल होके क्या बचेगा वन। इसी तरीके से सी टू का एलिमेंट है वन अपॉन सी, जब माइनस करोगे सी वन से तो अगेन जीरो आ गया, कितना आसान हमारे लिए हो रहा है ये। इसी तरीके से सी थ्री में से भी आपने सी वन को माइनस करना है, तो सी थ्री है वन, वन को जब आप वन से माइनस करोगे जीरो, वन अपॉन बी माइनस वन अपॉन बी जीरो, वन प्लस वन अपॉन सी माइनस वन अपॉन सी, तो वन बच जाएगा, इससे आसान और क्या होगा, इससे आसान और क्या होगा, बच्चों वाला डिटरमिनेंट आपका बन गया। अब आपके पास पॉसिबिलिटी है, आप सी टू से एक्सपेंड कर लो, सी थ्री से एक्सपेंड कर लो, या आप रॉ टू से एक्सपेंड कर, रॉ वन से एक्सपेंड कर लो, क्योंकि इनमें सब में दो दो जीरो आ रहे हैं, तो कैलकुलेशन आपकी काफी ईजी हो जाएगी। सबसे आसान मुझे यहाँ पे लग रहा है कि मैं रॉ वन से एक्सपेंड कर लूँ इसको, सबसे आसान है जो आप लोग नॉर्मली करते रहते हो। तो देखो बाय एक्सपेंडिंग फ्रॉम रॉ वन, तो रॉ वन से एक्सपेंड करेंगे आपको खुद दिखने में लग रहा है कि आंसर जो है ना इसका वो तो वन ही आ रहा होगा, क्या
आप रॉ वन से एक्सपेंड करोगे, एक ही एलिमेंट है वन। डिटरमिनेंट क्या होगा, इस रॉ को डिलीट करो, इस कॉलम को करो, ये चार एलिमेंट बचेंगे, 1 0 0 1। तो जब इसका डिटरमिनेंट लोगे, वन को वन से मल्टीप्लाई करो, आंसर वन आएगा, जीरो को जीरो से करोगे तो वो जीरो हो जाएगा। फिर पूरी चीज जो है ना बच्चों, ये वन के बराबर हो जाएगी। तो जो नेक्स्ट स्टेप होगा उसके नीचे आप ये कॉपी कर देना, ए बी सी, 1 + 1/a, 1/b, 1/c, और ये किसके बराबर है, इससे नेक्स्ट स्टेप में लिख देना इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो आपकी प्रूव हो गई राइट हैंड साइड के बराबर, सवाल आपका कंप्लीट। अच्छा आखिरी सवाल रह गया 2.4 का, क्वेश्चन नंबर 3 का, 3 का आखिरी पार्ट है, पार्ट नंबर 6। गैमा अल्फा अल्फा बीटा, इस तरह अल्फा बीटा गैमा अल्फा बीटा गैमा अल्फा बीटा, इस पूरे डिटरमिनेंट को आपने प्रूव करना है इसके बराबर। तो अब आपको एक्सपेंड करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सवाल है ना, विदाउट एक्सपेंडिंग प्रॉपरली आप यहाँ पे अप्लाई कर सकोगे, क्योंकि आपको यहाँ पे किसी डिटरमिनेंट की वैल्यू नहीं निकालनी, आपको एक डिटरमिनेंट को दूसरे के बराबर प्रूफ करना है। तो बस आप प्रॉपर्टीज लगाओ, तो प्रॉपर्टीज लगा के आसानी से प्रूफ हो जाएगा। अभी देखते हैं कैसे प्रूफ करना है। पिक करो भाई लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड मुझे लग रही है मैं सिंप्लीफाई करके इस तरह ला सकता हूँ, कुछ जरूरी नहीं होता कि आपने हर दफा लेफ्ट हैंड साइड ही पिक करनी होती है। आप देखो जिस साइड को आप सिंप्लीफाई कर सकते हो तो कर दो सिंप्लीफाई उसको। अच्छा जी, अब इसमें क्या करना है, आपको कुछ इतना सिंप्लीफाई करना है कि इसके बराबर हो जाए। अगर आप इसको देखो ना, तो इसमें आपको तीन किस्म के टर्म नजर आ रही है, एक लीनियर है, एक क्वाड्रेटिक है और एक क्यूबिक है, मतलब एक की पावर 1 है, एक की पावर 2 है, एक की पावर 3। अब वो हमारा हमारी कोशिश होगी हम भी इस तरह ले आए। अभी देखो सब में पावर आपको 1 ही नजर आ रही है, स्क्वायर क्यूब इस टाइप के कुछ नजर आ नहीं रहे आपको। अब हम ये कैसे लाएंगे, हमें काम करते हैं यहाँ पे, लिख लो कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड R1 R2 R3 बाई अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गैमा स्क्वायर रिस्पेक्टिवली। यहां पे मैं एक पॉइंट क्लियर कर दूं, जो टीचर आपके सामने सॉल्यूशन करवा रहे होते हैं ना, तो टीचर अपनी तरफ से तो बोल रहे होते हैं कि यार इसके बाद ये करना है, हमें साफ नजर आ रहा है, इसके बाद ये करेंगे, इसके बाद वो करेंगे, लेकिन ज्यादातर टीचर्स को सॉल्यूशन पता होते हैं, ठीक है, उन्होंने बाकी स्टूडेंट को करवाया हुआ तो उनको याद होते हैं तकरीबन सॉल्यूशन, या कुछ टीचर देख कर आते हैं लेक्चर से पहले कि क्वेश्चन कैसा होगा, जो मुश्किल क्वेश्चन होते हैं, तो उन उनके लिए तो ईजी होता है क्योंकि उन्होंने देख कर आए हैं या उनको प्रैक्टिस है, उनको याद है। जो पहली दफा स्टूडेंट करता है ना, उसको ये बात कंफ्यूज करती है कि यार मुझे किस स्टेप के बाद क्या करना है, जैसे मुझे कैसे पता चला इस सवाल में कि अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गैमा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, मुझे कैसे पता चला, तो मुझे तो उसका सोल्यूशन याद है, तो मुझे तो पता है इसे मल्टीप्लाई करना है। तो अब एक मासूम बच्चा कैसे पता चलेगा उसको, कुछ सवाल ऐसे होते हैं कि जिसमें आप आइडिया लगा लेते हो कि यार सवाल आपको खुद बताएगा कि यार आपने इस चीज से मल्टीप्लाई करना है। कुछ सवाल ऐसे होते हैं कि जिसमें आपको क्लियर नहीं होता, तो ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनको क्लियर नहीं होता लेकिन पेपर में वो कर देते हैं, क्यों, क्योंकि प्रैक्टिस होती है, आपको याद होता है कि यार ये क्वेश्चन मैंने किया था क्लास में, इसके साथ मैंने ये हरकत की थी। बकायदा आपको याद भी होना चाहिए कुछ क्वेश्चन, ये सुनने में अजीब लग रहा है कि एक टीचर रिकमेंड कर रहा है रट्टे मारो क्वेश्चन के, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं आप लोगों की बुक में जिनमें आप अगर सोचो ना तो आपको हिंट नजर नहीं आ रही होती, बस वो आपने याद किया हुआ होता है कि पहले स्टेप में आपने ये काम करना है, ठीक है। इसी तरह सवाल में अगर आप अल्फा बीटा गैमा से भी मल्टीप्लाई कर दो ना, तो सवाल आपका हो जाएगा। मैंने अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गैमा स्क्वायर से क्यों किया है, क्योंकि जब मैं खुद सॉल्व कर रहा था तो मुझे अल्फा बीटा गैमा से 2 दफा मल्टीप्लाई करना पड़ रहा था, तो मैंने कहा एक ही दफा कर देता हूँ मसला हल, मैं डायरेक्ट अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गैमा स्क्वायर से करवा देता हूँ, तो सॉल्यूशन में एक दो स्टेप मेरे बच गए क्योंकि मैंने खुद किया हुआ है। तो अगर आप लोग भी अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गैमा स्क्वायर से करोगे तो सॉल्यूशन आपका ईजी हो जाएगा। बाकी मैंने वजह बता दिए, कितने ऐसे सवाल हैं जिसमें आपको याद रखना पड़ेगा, ये प्रैक्टिकल आप लोगों को मैंने क्या बोलेंगे मशवरा दिया है कि प्रैक्टिस होगी तो आपको क्वेश्चन याद रहेगा और जहन से निकल जाएगा कि यार ये मैं इसको किस तरीके से सॉल्व करूँ। फिर आपको चेक करना पड़ेगा रफ वर्क में जाके कि यार मैं इसके साथ क्या, अच्छा कभी फंस जाओ ना डिटरमिनेंट के क्वेश्चन में तो रफ वर्क में चले जाओ, कोशिश करो किसी से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, कुछ ना कुछ मंतिक लगाओ, आपके पास आंसर आ जाएगा, टाइम लगेगा लेकिन अगर आप थोड़ा सोचो बचोगे ना तो आपको समझ आ जाएगी। बेशक वो आप घुमा फिरा के आपने आंसर निकाला है लेकिन आंसर तो माना जाएगा, ये नहीं देखा जाएगा कि आपने 4 स्टेप में निकाला या 8 स्टेप में, आंसर अगर आपने निकाल दिया तो वो ठीक माना जाएगा। तो अगर फंसो तो इस तरह करोगे तो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा, बाकी सिंपल सी बात है, प्रैक्टिस बहुत मैटर करती है। अच्छा अब अल्फा स्क्वायर से मल्टीप्लाई मैंने डिवाइड किया है R1 को, तो जो मल्टीप्लाई वाला अल्फा स्क्वायर है ना,
लिखूंगा, और जो डिवाइड वाला अल्फा स्क्वायर है वो मैं बाहर लिखूंगा। तो ये देखो, डिवाइड वाला मैंने अल्फा स्क्वायर बाहर लिख दिया, और जो मल्टीप्लाई वाला होगा वो मैं अंदर मल्टीप्लाई करवा देता हूँ। अल्फा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाओ, ये अल्फा क्यूब हो जाएगा। इसको करवाओ, अल्फा स्क्वायर आ जाएगा। इसको करवाओ, ये हो जाएगा अल्फा क्यूब बीटा गामा। तो मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई वाला अल्फा स्क्वायर रॉ वन से मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड वाला बाहर रख दिया। इसी तरह जो बीटा स्क्वायर मल्टीप्लाई वाला है वो अंदर से मल्टीप्लाई करवा दो और डिवाइड वाला बाहर लिख दो। हो जाएगा बीटा क्यूब, बीटा स्क्वायर गैमा अल्फा, और अल्फा बीटा स्क्वायर, सॉरी बीटा क्यूब गैमा, क्योंकि आप बीटा स्क्वायर से कर रहे हो ना, तो ये बीटा ऑलरेडी मौजूद था, बीटा स्क्वायर से करोगे तो बीटा क्यूब हो जाएगा ये। और फाइनली वही काम आप गैमा के साथ भी करो, मल्टीप्लाई वाला अंदर कर दो, तो ये हो जाएगा गैमा क्यूब, गैमा स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करवाओ और इससे करवाओ तो अल्फा बीटा गैमा क्यूब ये हो जाएगा। ये पहला स्टेप है, ये जो मैंने बताया इससे सॉल्यूशन काफी आपका इजी हो जाएगा। अच्छा, अब इसके बाद क्या करना है, ये बाहर स्क्वायर होगा। अब देखो डिटरमिनेंट अगर आप यहाँ पे देखो, उसके साथ तो कुछ नहीं लिखा हुआ ना, तो उसका मतलब ये जो बाहर आपने जो भी हरकत की है उसको कैंसिल करवाना है आपने, क्योंकि बाहर कुछ नहीं होना चाहिए, सिर्फ डिटरमिनेंट होना चाहिए। तो मैं इसको कैंसिल कैसे करवाऊंगा, अब ये टेक्निकल तौर पे मैंने आप लोगों के लिए इस तरह लिखा है, सिंपलीफाई करके अगर आप लिखना चाहो तो इसको इस तरह लिखेंगे हम, 1/(α²β²γ²) ये मौजूद है। तो अगर मुझे इसको कैंसिल करवाना है तो मेरे पास ऊपर भी क्या होना चाहिए, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। अब ये मैं कैसे अचीव करूंगा, ये ऐसे अचीव करूंगा कि मुझे दो अल्फा बीटा गैमा चाहिए, दो अल्फा बीटा गैमा होंगे, अल्फा बीटा गैमा मल्टीप्लाई करोगे तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गैमा स्क्वायर हो जाएगा, जो उसको कैंसिल कर देगा। तो ये दो अल्फा बीटा गैमा कहां से आएंगे, एक आप निकालो रॉ वन से, सॉरी कॉलम टू से, और एक आप निकालो कॉलम थ्री से। कॉलम टू से अगर आप देखो अल्फा बीटा गैमा आ रहा है, आपका अल्फा बीटा गैमा नजर आ रहा है, इसी तरह इसमें भी अल्फा बीटा गैमा नजर आ रहा है, तो आप जरा कॉमन निकाल लो। लिखना चाहो तो लिख दो, टेकिंग अल्फा बीटा गैमा कॉमन फ्रॉम सी टू एंड सी थ्री, कॉलम टू और कॉलम थ्री से आप एक कॉमन ले लो, तो अब क्या बचेगा, अब जो आपने कॉमन लिया है वो आप बाहर लिखोगे, तो अल्फा बीटा गैमा मल्टीप्लाई करो तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गैमा स्क्वायर ये बाहर आ जाएगा। तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गैमा स्क्वायर बाहर आ जाएगा, ऑलरेडी डिनोमिनेटर में मौजूद था ये, तो ये तो नेक्स्ट स्टेप में हम इनको कैंसिल कर देंगे। अंदर क्या चेंजिंग होगी, जरा उस पर आ जाओ, अंदर क्या बचेगा, ये तो अपनी जगह पे मौजूद है, कॉलम वन के अंदर तो कोई चेंजिंग नहीं किया आपने। अच्छा, इसके अंदर क्या होगा, जब अल्फा बीटा गैमा कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे जस्ट अल्फा बच जाएगा, यहाँ पे जस्ट बीटा बच जाएगा, यहाँ पे जस्ट गैमा बच जाएगा, तो अल्फा बीटा गैमा। इसी तरह यहां से जब अल्फा बीटा गैमा कॉमन लोगे तो अल्फा स्क्वायर बच जाएगा, यहाँ पे अल्फा सॉरी अल्फा बीटा गैमा कॉमन लोगे तो बीटा स्क्वायर बच जाएगा, और यहाँ पे गैमा स्क्वायर बच जाएगा, तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गैमा स्क्वायर, और ये तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ये दो स्टेप के अंदर ही आपने देख लिया कि आपका आंसर मिल रहा है आपको, बस चीजें थोड़ी आप आगे पीछे हुई नहीं है, तो यहाँ पे कॉलम वन है वो वहां पे कॉलम नंबर टू है, तो इंटरचेंज करके हम ठीक कर लेंगे इसको, मेन तो आपको नजर आ गया कि आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, अच्छा जी, तो अब जरा इंटरचेंज करते हैं इसको। क्या करो, सबसे पहले आपको ये जो अल्फा बीटा गैमा है ना, ये पहला कॉलम चाहिए आपको, तो आप सबसे पहले कॉलम वन और कॉलम टू को आपस में इंटरचेंज करो, इंटरचेंज कॉलम वन एंड कॉलम टू। तो जब आप इंटरचेंज करते हो, सेकंड प्रॉपर्टी ने आपको बताया था नेगेटिव आएगा, ये कॉलम टू जो है ये कॉलम वन बन जाएगा, और ये कॉलम वन जो है ये कॉलम टू बन जाएगा। ठीक है, अब देखो पहला कॉलम तो अपनी जगह पर आ गया, अब दूसरा और तीसरे की पोजीशन आपने चेंज करनी है और आपकी राइट हैंड साइड आ जाएगी, तो दोबारा आप इंटरचेंज करो, चेंज सी टू एंड सी थ्री, तो एक और माइनस साइन आएगा जो इसको पॉजिटिव कर देगा, तो चाहो तो लिख दो चाहो तो ना लिखो, ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गैमा स्क्वायर, ये हो जाएगा अल्फा क्यूब बीटा क्यूब गैमा क्यूब। ये छोटी छोटी बातें होती है ना, ये बेसिक लेवल पे हम बता रहे होते हैं स्टूडेंट को, लेकिन जब आप बड़े सवाल कर रहे हो तो इन बातों को स्किप कर दो। जब इधर माइनस है तो आपको ऑलरेडी पता है कि एक और माइनस आएगा जो आपस में पॉजिटिव हो जाएगा, तो लिखो फिर भी सही है, ना लिखो फिर भी सही है, और आपकी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो प्रूव हो जाएगी राइट हैंड साइड के द्वारा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है,
विदाउट एक्सपेंडिंग, अगेन आपने वो हरकत नहीं करनी, एक्सपेंड नहीं करना कि आप इसको वो रॉ रॉ वन या रॉ टू से एक्सपेंड कर रहे हो, एक्सपेंड नहीं करना विदाउट स्पेंडिंग. प्रूव दैट, आपको प्रूव करना है. क्या प्रूव करना है? ए बी सी एक्स वाई जेड पी क्यू आर. आपको प्रूव करना है कि ये बराबर है इसके, वाई बी क्यू एक्स ए पी और जेड सी आर. अच्छा, यहाँ पे दो इक्वल के साइन लिखे हैं. तो देखो, दो इक्वल के साइन हमें डील करने नहीं आते. जैसे अगर आपके पास लिखा हो ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, अब अगर आपने सॉल्व करना है तो आपको सॉल्व करना नहीं आता. दो इक्वल को हम डील नहीं करते, हमें एक इक्वल को डील करना आता है हमें. तो आप इसको दो तरीके से कर सकते हो. आप ए और बी को सॉल्व कर लो, आप बी और सी को सॉल्व कर लो. ए और सी को सॉल्व करने की जरूरत है नहीं, वो सेंस नहीं बना रही बात. क्यों भाई? जब ए को आपने प्रूव कर दिया कि वो बी के बराबर है, और जब बी को आपने प्रूव कर दिया वो सी के बराबर है, तो अल्टीमेटली प्रूव हो गया कि ए और सी बराबर ही है ना आपस में. असल चीज ये है ना कि अगर आप किसी तरह ए को प्रूव कर दो कि वो बी के बराबर है, और बी को प्रूव कर दो वो सी के बराबर है, तो अगर बी सी के बराबर है और ए बी के बराबर है, तो अल्टीमेटली ए सी के बराबर होगा. ठीक है? तो अगर आपको प्रूव करने को बोला जाए ना, तो आप ये कोई भी दो चीजें, दो पेयर प्रूव कर दो. इसमें से कोई भी दो पेयर ले लो, या तो इसको और इसको ले लो. बिलफर्ज अगर आप इन दो चीजों को प्रूव करते हो, तो दरमियान वाली चीज अल्टीमेटली खुद ही प्रूव हो गई. भाई जब ए बराबर है बी के, ए बराबर है सी के, मतलब ए बी के बराबर भी है, ए सी के बराबर ही है, तो बी और सी आपस में बराबर होंगे. ए बी के बराबर भी है, ए सी के बराबर ही है, तो ए की पॉसिबिलिटी है कि बी और सी आपस में बराबर होंगे. ठीक है? तो जब दो इक्वल के साइन होते हैं, हमें डील करना नहीं आता, हम उसको एक इक्वल के साइन में कन्वर्ट करते हैं. फिर अगर प्रूव आपको करना है, तो इन तीन में से कोई भी दो चीजें प्रूव कर दो, तीसरी अल्टीमेटली खुद ही प्रूव हो जाती है. सही? तो पेपर में जैसे सवाल आए ना, इसमें दो इक्वल के साइन है, तो आप अगर चाहो तो सवाल मेंशन कर देना कि पूरा सवाल में जो तीनों डिटरमिनेंट है ना वो मेंशन कर देना. ठीक है? वो मेंशन करने के बाद आप एक वर्डिंग लिखना कंसीडर, क्योंकि आपको प्रूफ करना है ना, तो कोई भी दो चीजें आपको प्रूफ करनी होंगी. तो वो तीन है ना, उससे आप तीन पॉसिबिलिटी बना सकते हो, उसमें से कोई भी दो पॉसिबिलिटी आप प्रूफ कर दो, बाकी तीसरी खुद ही प्रूव हो जाएगी. ठीक है? तो अब आपकी मर्जी है कि आप पहले और दूसरे को लो, दूसरे और तीसरे को लो, अगर आप ये वाला पेयर लेना चाह रहे हो, या आप इस तरह भी कर सकते हो कि पहले और दूसरे को और पहले और तीसरे को, ये पेयर भी बना सकते हो आप. तो आपकी मर्जी है कि आपको असल में दो प्रूफ करने हैं. अब आपकी मर्जी के दो पेयर आपने कौन से चूज करना है, आपकी मर्जी है. ठीक है? तो मैं सबसे पहले चूज कर रहा हूँ पहला और दूसरा, और मैं जरा प्रूफ करूंगा ये आपस में प्रूफ है या नहीं, फिर मैं दूसरा पेयर प्रूफ करूंगा. अब इसको प्रूफ कैसे करना है आपने? आपको प्रूफ करना है कि पूरा डिटर्मिनेंट इसके बराबर है. आप सिंपल लेफ्ट हैंड साइड पिक करो, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ए बी सी एक्स वाई जेड पी क्यू आर. मैंने आप लोगों को बताया था प्रूफ करने के डिफरेंट तरीके होते हैं. कभी आप दोनों लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करके प्रूफ करते हो, कभी आप एक साइड को अलग सॉल्व करते हो, दूसरी साइड को अलग सॉल्व करते हो, वो दोनों आपस में इक्वल आ जाती है. कभी आप एक साइड को सॉल्व करते हो और वो दूसरे के बराबर आ जाती है. तो तीसरा वाला काम आपने यहाँ पे करना है कि आप लेफ्ट हैंड साइड को इतना सॉल्व करो कि ये राइट हैंड साइड के बराबर आ जाए. ठीक है? तो मैंने बताया था हर जगह जो सूटेबल मेथड होता है वो हम अप्लाई कर रहे होते हैं. अब पता कैसे चलेगा? मैं जो यहाँ पे काम कर रहा हूँ वो तो मैंने रटे हुए तो नहीं है ना, कोई सोच के मैं करूंगा यहाँ पे, वो सोच क्या है? अगर आप देखो यहाँ पे, या तो आप एक्स वाई जेड को पकड़ लो, या ए बी सी को पकड़ लो, या पी क्यू आर को पकड़ लो, आपकी मर्जी है. कंसिडर कर लो, मैं एक्स वाई जेड को देखता हूँ. यहाँ पे एक्स वाई जेड इस तरह आए हुए, जबकि यहाँ पे अगर आप देखो एक्स वाई जेड ऑर्डर चेंज हुआ है, वाई एक्स जेड हुआ है. दूसरी बात, यहाँ पे एक्स वाई जेड रॉ के अंदर थे, यहाँ पे एक्स वाई जेड कॉलम के अंदर है. तो दो काम यहाँ पे हुए. सबसे पहला काम हुआ है इंटरचेंज, ऑर्डर तो था ना एक्स वाई जेड, तो अगर कॉलम में लिखना था तो एक्स वाई जेड लिखते, लिखा हुआ वाई एक्स जेड, इसका मतलब इंटरचेंज हुए हैं आपस में. और कौन इंटरचेंज हुआ है? वाई और एक्स, जेड तो आखिर में ही आ रहा है, वाई और एक्स आपस में इंटरचेंज हुआ है. तो आप सबसे पहले काम करो यहाँ पे कि आप वाई और एक्स को इंटरचेंज कर दो. तो आप लिखो इंटरचेंज सी वन एंड सी टू, सी वन और सी टू को आपस में इंटरचेंज कर दो. तो अब ये क्या होगा? और माइनस आएगा, मैंने आप लोगों को बताया था जब भी आप इंटरचेंज करते हो डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर कौन सी थी? टू थी आएगा, कि जब आप आपस में इंटरचेंज करो तो माइनस साइन आपको लगाना. तो ये जो सी टू था इसको मैं सी वन कर देता हूँ, और इस सी वन को मैं सी टू बना देता हूँ. और सी थ्री हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहा है, उसका कोई मतलब नहीं, एक काम तो आपने ये किया. अब आप यहां पे ऑब्जर्व करोगे एक चीज कि
जो है वो आपको ऊपर चाहिए, क्योंकि असल में हो क्या रहा है, ये वही है वाई एक्स जेड। जब आप इसका इंटरचेंज लोगे ना, मतलब इसका ट्रांसपोज लोगे, जो मैंने बताया था, अगर आप ट्रांसपोज लोगे तो ये वाई एक्स जेड आपको इस तरह चाहिए, मतलब ये पूरी रॉ आपको इस तरह चाहिए। तो सिंपल लैंग्वेज में आप करो यहाँ पे क्या, आखिरी स्टेप करने से पहले आप क्या करो, आर वन और आर टू को आपस में इंटरचेंज कर दो इस तरीके से, इंटरचेंज आर वन एंड आर टू। अगेन जब आप दो रॉस को इंटरचेंज कर रहे हो तो माइनस साइन आएगा, एक माइनस साइन ऑलरेडी मौजूद था, एक और माइनस साइन आ गया, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे। अब ये जो आर आपकी टू थी, ये पहली रॉ बन गई, बी ए सी अपनी जगह पे है, मतलब उसको आपने सेकंड रॉ पे ले आए, और क्यू पी आर अपनी जगह पे। तो अभी आपने क्या किया, आर वन और आर टू को इंटरचेंज किया, ये माइनस माइनस बाहर जाके पॉजिटिव हो जाएंगे। तो अब अगर आप ऑब्जर्व करो इसमें और इसमें फर्क क्या है, आपने बस यहाँ पे ट्रांसपोज लेना है, और प्रॉपर्टी वन ने आपको कहा था कि जब आप ट्रांसपोज लेते हो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो माइनस माइनस तो पॉजिटिव हो गया, आप यहाँ पे लिखो एज वी नो दैट फ्रॉम प्रॉपर्टी वन दैट वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स एंड इट्स ट्रांसपोज इज इक्वल, ये प्रॉपर्टी लिख दो बेहतर रहेगा, अच्छी बात होती है। तो जब हमें बात पता है तो आप नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करो, आप जस्ट इसका ट्रांसपोज ले लो, क्योंकि हमें पता है ये चीज, या मैं इसका ट्रांसपोज ले लूँ डिटरमिनेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये इक्वल ही रहेगा। ये जो वाई एक्स जेड है ये रॉ है, इसको कॉलम बना दो, बी ए सी रॉ है इसको कॉलम बना दो, और क्यू पी आर रॉ है इसको कॉलम बना दो। तो अब आप ऑब्जर्व करो एग्जैक्टली वही चीज आ रही है जो आपने प्रूव करनी थी। तो आपने इन तीन पेयर में से किसी एक को पिक करना है, एक्स वाई जेड को देख लो, या पी क्यू आर को देख लो, या ए बी सी को देख लो। इसके हिसाब से अगर आप राइट हैंड साइड अपनी देखो ना, तो खुद ही आपका सवाल प्रूव होता जाएगा। नीचे लिखना इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो प्रूव हो जाएगा कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। मैथ पे फोकस करने का फायदा नुकसान ये हुआ कि इंग्लिश नहीं आती, लेकिन सवाल प्रूव हो गया। आप लोग पेपर में टूटी मूटी लिख देना, कोई इस तरह कहता नहीं है, मैं एज अ नोट्स करवा रहा हूँ तो इसलिए मेरी कोशिश है कि तो अच्छा जुमला बने, लेकिन लिखना ताकि पता चले कि हाँ बच्चे को पता है। सही है, अब दूसरा पेयर प्रूफ करते हैं। पहला पेयर तो हमने कर लिया, अब आपकी मर्जी आप क्या लेते हो। मैं काम करता हूँ, मैं पहले को तीसरे के साथ लेता हूँ, मतलब ये वाला पेयर पिक करता हूँ, कंसीडर ए बी सी एक्स वाई जेड पी क्यू आर, इसको आप इक्वेट करवाओ तीसरे के साथ, एक्स वाई जेड पी क्यू आर ए बी सी। इसलिए ये तो है भी इजी बड़ा, ये इसमें दो काम करने हैं आपको, ये कर लेना खुद आप लोग। सबसे पहला काम क्या करना है आपको, वही लेफ्ट हैंड साइड टिक करनी है, ये आपकी पूरी लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है। अगर आप देखो इसमें और इसमें फर्क क्या है, कोई स्टूडेंट बता सकता है भाई, रॉस टेढ़ी मेढ़ी हुई है, बस रॉस को आपस में इंटरचेंज करना है। सबसे पहले क्या करोगे, आप आर वन और आर टू को इंटरचेंज कर दो, लेफ्ट हैंड साइड लिखने के बाद लिखना इंटरचेंज आर वन एंड आर टू, आर वन और आर टू को इंटरचेंज करो, तो ये जो एक्स वाई जेड है ये ऊपर आ जाएगा जो आपकी राइट हैंड साइड में, और ए बी सी नीचे आ जाएगी। तो ए बी सी और पी क्यू आर, जबकि यहाँ पे लिखा हुआ है पी क्यू आर और ए बी सी। तो अब आप क्या करोगे, इंटरचेंज करने के बाद यहाँ पे माइनस साइन आ रहा होगा ना, ठीक है। अब आप दोबारा इंटरचेंज करोगे, आप लिखना इंटरचेंज आर टू एंड आर थ्री, क्योंकि आर टू अब आपकी होगी ए बी सी और यहाँ पे है पी क्यू आर, तो आप क्या करना आर टू को आर थ्री शिफ्ट कर देना, तो ए बी सी नीचे चली जाएगी और पी क्यू आर ऊपर आ जाएगा। तो एग्जैक्टली आपकी राइट हैंड साइड प्रूव हो जाएगी, और ये एक दफा माइनस आया था ना, आपने दोबारा इंटरचेंज किया तो ये माइनस और माइनस पॉजिटिव हो जाएंगे, और पूरे आपके पास जो राइट हैंड साइड है वो आ जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में आप लिख देना लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सही, तो कॉन्सेप्ट के साथ मैंने सॉल्व करवाया। आमतौर पर ऐसा होता है कि मुझे अपने बारे में कंफ्यूजन बहुत होती थी, अनलेस मास्टर्स में आके जाके सही हुआ मुझे, क्योंकि मास्टर्स में हमारे टीचर ने एक वर्डिंग बोली थी मुझे बड़ी अच्छी लगती है, कि दो इक्वल को हमें डील करना नहीं आता, हम एक इक्वल को डील करते हैं। इस तरीके से मैं बात समझ जाती है कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया था कि जब दो इक्वल वाले सीन होते हैं ना, तो आपने बस ये दो पेयर लेने होते हैं, तीसरा ले लो वो एक्स्ट्रा काम है आपका, वो बेवकूफ़ी है, मैंने ए बी सी करके बताया था। तो ये कॉन्सेप्ट के साथ मैंने आप लोगों को एक स्टेप समझाया, उम्मीद है मसला नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर फाइव में आपको बोला हुआ है कि इफ ए बी सी आर डिफरेंट, मतलब तीनों की वैल्यू डिफरेंट होगी, एंड डिटरमिनेंट आपको बोला हुआ है कि पूरा डिटरमिनेंट जीरो के बराबर है, देन शो दैट वन प्लस ए बी सी इज इक्वल टू जीरो। अब जरा देख लेते हैं कंडीशन क्या है। सबसे पहले ए वी सी आर डिफरेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है,
डिफरेंट है, ठीक है। और दूसरी कंडीशन क्या है कि इस डिटरमिनेंट को डेल्टा का नाम दिया हुआ है। डिटरमिनेंट क्या है? ए स्क्वायर 1 + a³, बी बी स्क्वायर 1 + b³, सी सी स्क्वायर 1 + c³। बोला गया कि पूरा डिटरमिनेंट 0 के बराबर है। ये कंडीशन आपको गिवन है, वी हैव टू प्रूफ दैट। हमें प्रूफ क्या करना है कि 1 + a b c इज इक्वल टू 0। ये चीज आपको प्रूफ करनी है। देखते हैं क्या करना है इसके अंदर। प्रूफ पे आ जाते हैं। सबसे पहले आप क्या काम करो यहाँ पे कि आप इस डिटरमिनेंट को लो। ये पूरा डिटरमिनेंट क्या है? 0 के बराबर है। तो जरा हम इसको पिक करते हैं। ठीक है, 0 के बराबर रखते हैं। अब इसमें कुछ ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। सबसे पहले देखो दो टर्म्स हैं यहाँ पे, तो लगाओ प्रॉपर्टी नंबर कुछ थी, मेरे ख्याल में 5 6 कुछ ऐसी थी कि जब दो टर्म हो तो आप इस डिटरमिनेंट को दो डिटरमिनेंट में कन्वर्ट कर सकते हो। आप इसको लिखो ए स्क्वायर, सबसे पहले 1 लिखो, ठीक है, और दूसरे डिटरमिनेंट में आप लिखो ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। तो आपने बस क्या किया कि इस एक डिटरमिनेंट को दो में कन्वर्ट किया। कैसे? इसका जो तीसरा कॉलम था वो दो टर्म्स की फॉर्म में लिखा हुआ था, तो पहले वाले डिटरमिनेंट में आपने पहली टर्म लिखी है और दूसरे वाले डिटरमिनेंट में आपने दूसरी टर्म लिखी है। प्रॉपर्टी नंबर कोई प्रॉपर्टी थी जिसने मैं अलाउ किया था ये। उसके बाद क्या करना है जरा वो देख लेते हैं। दो काम एक साथ करो। सबसे पहले अगर आप इसमें से देखो तो R1 से A कॉमन आ रहा है, R2 से B कॉमन आ रहा है, R3 से C कॉमन आ रहा है। जब हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे A बचेगा, यहाँ पे A स्क्वायर बचेगा, क्योंकि एक पावर हमने कॉमन ले ली है। अगेन यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे B बचेगा, यहाँ पे B स्क्वायर, 1 C C स्क्वायर। तो अगर आप देखो ये दोनों आपस में सेम होंगे, हमारा मकसद इनको सेम करना है, तो आपको समझ आ जाएगी सेम में क्यों कर रहा हूँ। तो यहाँ पे भी अगर आप देखो यही 3 किस्म के कॉलम है, 1 A स्क्वायर और A, ये वाली कॉमन है। बस आपने तरतीब से लिखना है, क्योंकि यहाँ पे पहले 1 आएगा, जब आप A कॉमन ले लोगे तो ये 1 होगा, ये A होगा और ये A स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे भी ऐसी तरतीब चाहिए, 1 A और A स्क्वायर। या फिर आप दूसरा काम करो, इस वाली तरतीब को इससे मैच कर लो। एक ही बात है, या तो इसको इससे मैच कर लो या इसको इससे मैच कर लो। तो आपको ये काम कर लो, यहाँ पे मैच करना हमारा यहाँ पे मकसद है। वो मकसद आपको समझ आ जाएगा क्यों हम मैच कर रहे हैं यहाँ पे। तो काम करते हैं इसी के साथ, हम करते हैं जो करना है, इसको हम एज इट इज रहने देते हैं, ठीक है। अब इसके साथ क्या करना है? सबसे पहले तो कॉमन लेना है। तो अब एक काम करते हैं इसको, इसको हम बोलें किस तरीके से, हम लेफ्ट राइट कर लेते हैं कि यार लेफ्ट डिटरमिनेंट है, ये राइट डिटरमिनेंट है। तो आप लिखो टेकिंग ए बी सी, सॉरी ए बी सी क्यों कह रहा हूं, हाँ ए बी सी होगा, टेकिंग ए बी सी कॉमन फ्रॉम R1 R2 R3 रेस्पेक्टिवली, और आगे हम ब्रैकेट में लिख देते हैं राइट डिटरमिनेंट। जो राइट डिटरमिनेंट है ना उसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे दो डिटरमिनेंट है तो कंफ्यूजन हो सकती है कि किसकी बात की जा रही है। तो ब्रैकेट में आप बता दो ये जो राइट की तरफ लिखा हुआ है ना, इस डिटरमिनेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या करना है आपको, ए बी सी कॉमन लेना है R1 R2 R3 से रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली का मतलब कि ए को कॉमन लो R1 से, बी को कॉमन लो R2 से, सी को लो R3 से। तो अब क्या होगा, पहला वाला डिटरमिनेंट एज इट इज ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। अच्छा दूसरे में क्या करना है, आपने ए बी सी कॉमन लेना है। तो ये जो मैं बाहर ए लिख रहा हूँ ये कॉमन लिया R1 से, ये जो बी है ये R2 से लिया था, और ये सी जो है ये R3 से लिया था। तो जो तीनों कॉमन लिए थे वो बाहर आप लिखते हो, और पीछे क्या बचेगा, जब इससे ए कॉमन ले लोगे तो ये होगा 1 A A स्क्वायर, होगा 1 B B स्क्वायर, 1 C C स्क्वायर। अब आपकी कोशिश क्या है, इन दोनों को आपने सेम करना है, आपकी मर्जी है। हम राइट डिटरमिनेंट को सेम करते हैं कैसे, आप सबसे पहले क्या करो, इंटरचेंज करो, इंटरचेंज C1 एंड C2, क्योंकि सभी अपनी पोजीशन पे नहीं है, कोई भी अपनी सही पोजीशन पे नहीं है, तो इसका मतलब दो दफा इंटरचेंज करना पड़ेगा। इंटरचेंज C1 एंड C2, तो आगे लिख दो किसकी बात कर रहे हैं, राइट डिटरमिनेंट की बात कर रहे हैं। तो अब आप क्या करो, इस वाले को एड्रेस कॉपी कर दो,
और अब बाहर माइनस आएगा क्योंकि आपने इंटरचेंज किया है, और सी टू को इधर ले आओ और सी टू को दरमियान में ले आओ। जी ठीक है। अगेन अब आपने क्या करना है, देखो ए बी सी तो अपनी जगह पे आ गया, दोनों सेम हो गए, इसको और इसको आपस में इंटरचेंज करना है। तो अब आप नीचे लिखो इंटरचेंज सी टू एंड सी थ्री। अगेन किसकी बात कर रहे हैं हम, राइट वाले की बात कर रहे हैं। ठीक है तो लेते हैं, दोबारा जब इंटरचेंज करोगे तो दोबारा पॉजिटिव हो जाएगा ये। ठीक है तो क्या हो जाएगा, ए बी सी अब वन उधर चला जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इधर आ जाएगा। अच्छा पेपर में ये हरकत नहीं करनी है आप लोगों ने, मेरा तो टाइम जाया हो रहा था इसलिए मैंने कहा चलो छोड़ दो। अब अगर आप देखो तो ये वाला डिटरमिनेंट और ये वाला डिटरमिनेंट दोनों सेम है, तो जब दो चीजें सेम होती हैं आप कॉमन ले लेते हैं उसमें, इस वाली टर्म और इस वाली टर्म दोनों में ये वाला डिटरमिनेंट आ रहा है तो आप कॉमन ले लो इसको। अब हम जस्ट वो मैथ अलजबरा वाला काम कर रहे हैं कि बिल्कुल अगर आपके पास लिखा हो एक्स प्लस टू एक्स तो आप क्या करोगे, दोनों में से एक्स कॉमन लोगे, पहली टर्म में से वन बचेगा दूसरी में से टू बचेगा, यही करते थे ना आप, तो वही काम करो यहाँ पे। तो ये डिटरमिनेंट और ये डिटरमिनेंट कॉमन है, ले लो कॉमन जरा, तो हम इसको कॉमन लेते हैं ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर वन वन वन। जब कॉमन लेंगे तो पहली टर्म में से क्या बचेगा वन और दूसरी टर्म में से क्या बचेगा ए बी सी इक्वल टू जीरो। उसके बाद आप क्या लिखो यहाँ पे, अब देखो दो चीजों का प्रोडक्ट, ये वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाली बात कि जो पूरा डिटरमिनेंट है इसकी कोई ना कोई वैल्यू होगी ना, ये चीज मल्टीप्लाई हो रही है इस वाली से और रिजल्ट किसके बराबर आ रहा है, रिजल्ट जीरो के बराबर आ रहा है। तो इसकी क्या पॉसिबिलिटी है, या तो इसकी वैल्यू जीरो है जो उसको जीरो बना रही है, या वन प्लस ए बी सी की वैल्यू जीरो है जो इस पूरी चीज को जीरो बना रही है, इसमें से कोई एक तो जीरो होगा। लेकिन हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि वन प्लस ए बी सी जीरो है, सवाल में ही तो बोला था कि प्रूफ करो वन प्लस ए बी सी जीरो है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये जीरो वन प्लस ए बी सी की वजह से आ रहा है, ऐसी भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब आप इस स्टेप के बाद डायरेक्ट ये लिख नहीं सकते कि वन प्लस ए बी सी जीरो के बराबर है, नहीं, आपको कैसे पता, मे बी डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो हो जो इसको पूरी चीज को जीरो बना रही हो, तो आपको बकायदा प्रूफ देना पड़ेगा कि यार ये वो चीज है जिसकी वजह से आपका प्रोडक्ट जीरो आ रहा है, इसकी वजह से नहीं आ रहा। ठीक है अब कैसे प्रूफ करोगे आप, सिंपल अगर आप इसको ऑब्जर्व करो ये डिटरमिनेंट जीरो नहीं हो सकता, आप लोगों को नहीं नजर आएगा क्योंकि मैं तो प्रूफ करके आया हूं ना, ये चीज जीरो नहीं हो सकती। ये क्यों नहीं हो सकती जरा मैं आपको रीजन बताता हूँ इसकी, इसको ना अब ये आपको स्टेप दिखाने की जरूरत नहीं है, आप बस जुमला लिख देना कि ये चीज जीरो के बराबर नहीं हो सकती, क्यों, क्योंकि ए बी सी डिफरेंट है यहाँ पे, बस आप ये वजह लिख देना। प्रूफ करने की जरूरत नहीं कि अगर ए बी सी डिफरेंट है तो ये चीज जीरो कैसे नहीं होगी, वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आप जैसे इसका डिटरमिनेंट निकालो। हमें काम करते हैं इस वाले को कंसिडर करो ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर वन वन, इसको जरा मैं ना एक्सपेंड करता हूँ किसी भी रॉ से, फॉर एग्जाम्पल रॉ वन से एक्सपेंड करता हूँ। यार जरा सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये हो जाएगा बी माइनस सी, और ये हो जाएगा बी सी स्क्वायर माइनस सी वी स्क्वायर। ठीक है जरा मजीद लिखते हैं, इसको मल्टीप्लाई करो, ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर, ए को इससे करो ए सी स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर बी, ये हो जाएगा माइनस माइनस पॉजिटिव ए स्क्वायर सी, और ये हो जाएगा बी सी स्क्वायर, ये हो जाएगा सी बी स्क्वायर। ठीक है अब हमें क्या करना है, ये है इसमें से अगर हम ए बी कॉमन लेंगे तो ये बी माइनस ए होगा, इसके बाद एक सेकंड क्या करना था हमें हाँ आप क्या करो, जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ ना आप लोगों को वो इस तरह नजर आएगा आप लोगों को, इन दो टर्म में से ना बी स्क्वायर कॉमन ले, सबसे पहले ए स्क्वायर को कॉमन लेते हैं, ए स्क्वायर यहाँ पे और इस टर्म में, तो आप इन दोनों टर्म में से ना ए स्क्वायर कॉमन ले, तो इस वाली टर्म में से बचेगा सी, इसमें से बचेगा माइनस बी, जब आपने ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, फिर हम बी स्क्वायर कॉमन लेते हैं इसमें से और इसमें से, बी स्क्वायर कॉमन लिया इसमें से बचा ए, इसमें से बचा सी। अच्छा फिर हम क्या करते हैं, हम कॉमन लेते हैं इस वाली टर्म और इस वाली टर्म में से सी स्क्वायर टर्म और ये वाली टर्म, आप सी स्क्वायर कॉमन लो यहाँ से, ये हो जाएगा बी माइनस है। अब आप इस वैल्यू को जरा गौर से देखो, सवाल में क्या बोला है ए बी सी डिफरेंट है, जब ए बी सी तीन वैल्यूज है ना डिफरेंट होंगी, फॉर एग्जाम्पल वन टू थ्री
जीरो वन टू, माइनस वन टू थ्री, डिफरेंट होने चाहिए आपस में तीनों एबीसी। तो जब एबीसी डिफरेंट होंगे तो सबसे पहली बात, ये चीज जो है ये जीरो नहीं हो सकती, ये चीज जीरो नहीं हो सकती, ये चीज जीरो नहीं हो सकती, जो मैं ब्रैकेट के अंदर की बात कर रहा हूँ भाई। जब ये ए और सी दोनों अलग हैं तो सब्ट्रैक्ट करोगे, जीरो तो आ ही नहीं सकता। इसी तरह जब दो चीजें सेम हो तब आप उनको सब्ट्रैक्ट करो तो जीरो आता है ना। जब ए बी सी आपस में डिफरेंट है, बी माइनस ए जीरो कैसे होगा, ए माइनस सी जीरो कैसे होगा, और सी माइनस बी जीरो कैसे होगा, ये तो सेंस ही नहीं बना रही, जीरो तो हो ही नहीं सकता ये। इसका मतलब ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है ना ये जीरो नहीं हो सकता। उसके बाद ए बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, वर्स्ट केस हम डिस्कस करते हैं कि ए की वैल्यू जीरो है और बी और सी की कुछ और वैल्यू, फॉर एग्जाम्पल बी और सी की वैल्यू इस तरह कर लो, डिफरेंट होनी चाहिए तीनों, ए बी सी जीरो नहीं होने चाहिए। क्वेश्चन कह सकता है सर ए बी सी अगर जीरो होंगे तो तीनों ब्रैकेट जीरो हो जाएंगे, नहीं, ए बी सी डिफरेंट है यहाँ पे, सेम नहीं हो सकते। तो कंसिडर कर लो ए जीरो है, बी और सी की कोई ना कोई वैल्यू है, तो ए जीरो होगा तो ये टर्म खत्म होगी ना, ये दो टर्म तो अपनी जगह पे मौजूद है और ये जीरो नहीं हो सकती। मैंने आपको वजह बता दी है, बी स्क्वायर और सी स्क्वायर जीरो नहीं होगा क्योंकि कोई वैल्यूज है ना, वैल्यूज का जब स्क्वायर करोगे तो जीरो आ ही नहीं सकता, और ए माइनस सी बी माइनस सी वैसे नहीं जीरो हो सकता क्योंकि ए बी सी डिफरेंट है। तो कहने का मतलब ये पूरा डिटर्मिनेंट जीरो के बराबर हो ही नहीं सकता जब तक ए बी सी तीनों डिफरेंट है। हाँ अगर ए बी सी बराबर हो तब मसला खराब हो सकता है, आपके पास आंसर जीरो आएगा, लेकिन ए बी सी डिफरेंट है तो इस पूरी चीज का आंसर जीरो नहीं हो सकता। समझ आइए बात सबको ये? यस सर, यस आप लोगों ने पूरा प्रूफ नहीं देना, आप लोग बस जुमला लिख देना, आप बस इस स्टेप के बाद ये लिख देना कि सिंस ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर वन 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 कैन नेवर बी इक्वल टू जीरो। हाँ लिख देना सिंस, इसको इस तरह लिखना, इससे पहले एक जुमला लिख देना कि सिंस ए बी सी आर डिफरेंट, सिंस ए बी सी डिफरेंट है देयर फोर ये कभी भी जीरो के बराबर नहीं हो सकता, नॉट इक्वल टू जीरो। ये उल्टा सीधा मैंने कर दिया, सबसे पहले आप जुमला लिखना ये जो डॉट होते हैं सिंस के होते हैं और ये डॉट देयर फोर के होते हैं, आप लिखना सिंस ए बी सी आर डिफरेंट देयर फोर ये वाली चीज जो है ये जीरो नहीं हो सकती। ठीक है, तो अब हमें बात समझ आ रही है कि अगर ये चीज जीरो नहीं हो सकती और प्रोडक्ट इसका जीरो के बराबर है, इसका मतलब लाजमी ये चीज जीरो होगी, क्योंकि ये जीरो नहीं है तो यही जीरो होगा ना, तभी प्रोडक्ट जीरो के बराबर है। तो फिर आप इस इन दो स्टेप के बाद आप इंप्लाइज दैट का सिंबल बनाना और बोलना वन प्लस ए बी सी जो है ना ये जीरो है। ये जो सिंबल होता है ना इसको हम इंप्लाइज दैट का सिंबल कहते हैं, इंप्लाइज दैट, इंप्लाइज दैट का मतलब कि भाई अगर ये चीज है ना तो फिर ये वाली चीज प्रूव होगी, मतलब जो ऊपर वाले स्टेप आप कर कर आए हो ना वो स्टेप आपको गारंटी दे रहे हैं कि ये चीज इक्वल टू जीरो है। ठीक है, तो दैट्स व्हाई इंप्लाइज दैट का आप सिंबल यूज कर रहे होते हैं। तो जैसे हमें पता चला कि ये जीरो नहीं हो सकता, और क्यों नहीं हो सकता, सवाल में उन्होंने बोला था कि ए बी सी डिफरेंट है, हमने बात बोल दी कि फिर बाकी वन प्लस ए बी सी की वजह से पूरा जीरो है।